स्वागत है आपका बम्बल टून्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की पहली पहेली। तो आज की पहली पहेली का नाम है जहरीला ड्रिंक। दो दोस्त महिमा और शुभम साथ में ड्रिंक के लिए बाहर जाते हैं। वह दोनों 6 ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। शुभम जो कि बहुत ज्यादा प्यासा होता है तो वह 5 ड्रिंक लगातार पी लेता है। उसमें से बची एक ड्रिंक महिमा थोड़ी देर बाद खत्म कर देती है, लेकिन ड्रिंक में किसी ने जहर मिलाया हुआ था। महिमा जैसे ही ड्रिंक पीती है उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ड्रिंक्स तो शुभम ने भी पी थी, तो मृत्यु सिर्फ महिमा की ही हुई। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या आप पता लगा पाए? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जी हाँ, जहर आइस में था, क्योंकि महिमा ने ड्रिंक बाद में पिया था, तब तक वो आइस पिघल चुकी थी, तो इसलिए महिमा की मृत्यु हो गई। और शुभम ने ड्रिंक पहले ही खत्म कर दी थी, तो वो बर्फ तब तक नहीं पिघली थी, तो इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी पहेली की तरफ। दूसरी पहेली का नाम है एक टूटी हुई मूर्ति। जॉन घर पर अकेला था और कुछ देर बाद उसने अपने पत्नी के कमरे से आवाज सुनी। वह आवाज सुनते ही तुरंत कमरे में गया और देखा उसकी पसंदीदा मूर्ति टूट गई है। उसने देखा कि कोई अजनबी कमरे से भाग रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश की, पर ठंड के कारण उसके चश्मे पर भाप आ जाती है और वो चोर को नहीं देख पाता है। जॉन ने ये सारी कहानी पुलिस को सुनाई, पर वो लोग ने नहीं सुना और उससे झूठ ना बोलने को कहा, क्योंकि वह समझ गए थे कि जॉन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जॉन की कहानी झूठी थी या सच्ची? तो क्या आप पता लगा पाए? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाँ, जॉन एक अजनबी का पीछा करता है, पर कोई भी इंसान अगर गर्म कमरे से निकलता है तो उसके चश्मे पर भाप कभी नहीं आ सकती। वह अपनी पत्नी की गलती को छुपाने के लिए उसने यह कहानी बनाई, क्योंकि उसकी पसंदीदा मूर्ति टूट गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। पहेली का नाम है कॉफी में एक मक्खी। रणवीर कॉफी की दुकान पर बैठकर कॉफी पी रहा था। अचानक से उसने देखा कि उसकी कॉफी में मक्खी पड़ी हुई है। उसने तुरंत वेटर को बुलाया और दूसरी कॉफी लाने को कहा। दूसरी कॉफी मिलने के बाद एक घूंट पीता है और उसको बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रणवीर ने महसूस किया कि यह वही पुरानी कॉफी है जो उसने वापस किया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि उसे कैसे पता चला कि वह वही पुरानी कॉफी है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो दूसरी कॉफी थी वह पहले से ही मीठी थी। रणवीर ने मक्खी देखने से पहले उसने अपने कप में चीनी डाल ली थी। तो अगर आपको लगता है कि रणवीर ने समझदारी दिखाई तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं चौथी पहेली की तरफ। पहेली का नाम है कौन सी डोर सेफ है। एक सुबह छोटी मैरी आगरा के एक महल में फंस गई। उस महल में 4 दरवाजे थे और चारों बहुत ही खतरनाक थे। पहले दरवाजे पे फायर थी जो किसी भी इंसान को तुरंत पिघला सकती थी। दूसरे दरवाजे पर ऐसा हत्यारा खड़ा था जो किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार देगा। तीसरे दरवाजे पर बहुत ही खतरनाक ठंड थी, अगर वहां से कोई भी गुजरता तो वो जम जाता। चौथे दरवाजे पे पुलिस खड़ी है जो कि महिला और पुरुष को गोली मार देगी।
तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि वह कौन सा दरवाजा चूज करेगी? तो क्या आप पता लगा पाए? एकदम सही, वह चौथे दरवाजा चूज करेगी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है और वह पुलिस पुरुष और महिला को गोली मार देगी। लेकिन मैरी छोटी बच्ची है तो वह उसे गोली नहीं मारेगी और वह सेफली वहाँ से गुजर जाएगी। तो अगर आपको ये पहेली पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम ऐसी ही मज़ेदार पहेलियाँ लेकर आते रहेंगे। तो इसीलिए जिसने भी हमारा चैनल बम्बल टून को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना एकदम ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।